हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हो? आज हम तुम्हारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपको फैक्टराइजेशन करना है एक्स की पावर 8-1। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप कैसा अप्रोच लेते हो? पर ये वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करो, ठीक है? चलो देखते हैं हम इसका सोल्यूशन क्या होगा। आप भी हमारे साथ सीखो कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो क्वेश्चन है आपका एक्स के पावर 8 माइनस क्या है, 1, ठीक है? एक्स के पावर 8 माइनस 1। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो पावर क्या है, इवन पावर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स के पावर 4 और इसका भी क्या होगा, होल स्क्वायर, और 1 को क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर। अब इस तरीके से बनाने के पीछे का लॉजिक क्या है, देखो आप एक फार्मूला जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी इवन पावर हो, ये देखो ये पावर क्या है, इवन, जब भी इवन पावर हो आप याद रख लो, अगर मान लो एक्स के पावर 8 था ना, इस पे पावर क्या था, इवन, तो आप किस फॉर्म में लेके जाओगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में जाओगे। क्वेश्चन लगाने से मतलब नहीं है, क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक समझो, इक्वेशन को आप कैसे हैंडल करोगे। पावर क्या है, इवन, तो किस में जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्म में बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो। तो देखो, तो जब भी होगा तो आप इस तरीके से कर सकते हो। देखो 8 था तो हमने 4 का क्या कर दिया, स्क्वायर। हमेशा देखो ऐसे नहीं लिखोगे, एक्स 2 के पावर 4, ऐसा फार्मूला थोड़ी पड़े हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जानते हैं, ठीक है? तो अब इसको देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार 1 टाइम ए प्लस बी और एक बार होता है ए माइनस बी। तो इसको अगर तुम ए मानते हो और इसको बी मानते हो, तो एक ब्रैकेट में आएगा तुम्हारा एक्स के पावर 4+1 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा एक्स के पावर 4-1, ठीक है? अब यहीं पर नहीं छोड़ देंगे, अभी हमारा पूरा सोल्यूशन नहीं हुआ है, इस साइड को हम मिटा देते हैं, अब जानते हो। चलो देखो, अब क्या करना आपको, एक्स की पावर 4+1 है, चाहो तो आप इसको फर्दर फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। चलो अब देखो, पहले तो हम आपको इधर साइड में करके दिखाते हैं। बोलो एक्स की पावर 4+1 है, एक्स की पावर 4+1, अब इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, ये देखो कैसे करेंगे। अच्छा, इसके लिए हमने एक वीडियो भी बना दिया है, अब चाहो तो उसको जाके देख सकते हो, नहीं तो यहीं पर समझ लो। तो देखो एक्स के पावर 4+1 है ना, तो एक्स स्क्वायर का क्या लिख सकते हो, स्क्वायर लिख सकते हो, और 1 का क्या होगा, स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, घट क्या रहा है, 2ab। तो मैं अपने मन से 2a इंटू क्या होगा, b इंटू है, इसको a मान लिया हमने और इसको b माना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो 2x स्क्वायर हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है, अब एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो घटाना पड़ेगा, उतना उतना माइनस करना पड़ेगा, इसको बैलेंस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? अब देखो इन तीनों टर्म को अगर आप तुम देखे हो, देखो इन तीनों को देखोगे तो लगेगा, देखो ए है तुम्हारा 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मिलेगा, और इधर से तुमको क्या मिल रहा, माइनस 2x स्क्वायर। अब देखो एक हमको यहां से फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, एक बार होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, चलो हम इस साइड में यहां पर लिख देते हैं, यहां पे देखो इसके नीचे लिखते हैं, क्योंकि उसी का काम हम कर रहे हैं। तो एक्स के, तो यहाँ पे होगा एक बार ए प्लस बी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, इसका भी इंतजाम करना पड़ेगा, चलो एक लाइन और कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो इसको लिख सकते हो, रूट में 2 ले लो, एक्स को बाहर ले लो और इसका भी क्या कर लो, होल स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत आसान। एक बार अगर लॉजिक आप समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन हो, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसको आसानी से कर लोगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर क्या लगा लो, √2x, और एक बार यही काम क्या करना होगा, माइनस कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2x। अब इसके लिए तो इस साइड को हम इरेज कर देते हैं,
आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट देख लो भाई, सेकेंड पार्ट है x के पावर 4 माइनस 1। तो इसको तो बहुत आसान है, x स्क्वायर का स्क्वायर लिख लो और 1 का स्क्वायर, यानी एक ब्रैकेट में आएगा x स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x स्क्वायर सॉरी हाँ ठीक है यही आएगा। तो अब यहाँ पे आप लिख लो x स्क्वायर माइनस 1 एक बार और एक बार लिख लो x स्क्वायर प्लस 1। अब इसका भी हम क्या कर सकते हैं, काम तमाम कर सकते हैं जिस जैसे इसका किए हैं x के पावर 4 प्लस 1 का। अच्छा कुछ लोग पूछेंगे इसको भी करना जरूरी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहो तो फर्दर कर सकते हो, नहीं तो नेगेटिव वाले पार्ट को तो आपको हर हाल में करना ही होगा, पॉजिटिव वाले पार्ट को भी आप कर लो अच्छा ही रहेगा, कोई घाटे की बात नहीं है। तो x के पावर अब इसका कर लेते हैं हम लोग, देखो x स्क्वायर प्लस 1। अभी हमको क्या करना है, आप देखो 2x ऐड कर दो और 2x ही क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो। अब इन तीनों टर्म को देखो तो मिलेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इधर केवल 2x है तो इसको रूट में ले लो और इसका क्या कर लो होल स्क्वायर, इसको a बोल दो और इसको b बोल दो, तो क्या बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, इन ये पूरे चीज को नोट कर डालो, x स्क्वायर प्लस 1 रूट 2x, इधर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 2x, x स्क्वायर माइनस 1। अब इसके लिए लिखना है, इसके लिए लिखोगे तो चलो इधर लिखते हैं, एक बार आएगा x प्लस 1 प्लस रूट 2x और एक बार यही आएगा x प्लस 1 माइनस रूट 2x। तो इस तरीके से आप x के पावर 8 माइनस 1 का क्या कर सकते हो, फैक्टराइजेशन आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपसे एक यही क्या है क्या बोलते हैं निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।